Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Infomentary, The Secret Behind Two Prostration in Namaz, Miracles of Sajda. Har rakat mein do sajde aur ek ruku hi kyun hota hai? So let's start the video. 1, 2, 3. मुसलमान पर पहला फर्ज नमाज है और रोज़े महशर इसी के मुतल्लिक सबसे पहले पूछा जाएगा। जहां नमाज के दीनी और रूहानी फजाइल हैं, वहीं इसके बेशुमार तिब्बी, साइंसी और दुनियावी फवायद और बरकात भी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको नमाज में पोशीदा एक ऐसे ही राज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप ज़रूर हैरान रह जाओगे। कभी नमाज पढ़ते वक्त आपने सोचा है कि एक रकात में दो सजदे और एक रुको ही क्यों है? अल्लाह का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। बस अल्लाह ने हम पर नमाज का फरीजा मुकर्रर किया तो यकीनन इसमें भी हमारे लिए बेशुमार हिकमतें हैं। नमाज के हर रकात में दो सजदे होते हैं और इन दो सजदों की हिकमत के बारे में उलमा ये कहते हैं कि एक सजदा इसलिए कि जब अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए। जब फरिश्ते सजदे से उठे और देखा कि सजदा ना करने पर शैतान को ता कयामत सजा हुई तो उन्होंने एक और सजदे शुक्राना अदा किया कि हम अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों में से ना थे। कई उल्मा का ये भी मानना है कि अल्लाह ताला ने जब औलाद आदम अलैहिस्सलाम से अहद लिया, जिसका जिक्र अल्लाह ने इस आयत में किया है, और याद करो उस वक्त को जब ए हबीब आपके रब ने बनी आदम से उनकी पुश्तों में उनकी औलाद से अहद लिया, उस वक्त अल्लाह ने उन्हें बतौर तस्दीक सजदे का हुक्म दिया तो अल्लाह के हुक्म पर तमाम मुसलमान सजदे रेज हो गए, लेकिन काफिर कड़े महरूम रह गए। जब मुसलमानों ने सजदे से सर उठाया और देखा कि कुफार ने सजदा नहीं किया तो वो दोबारा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए सजदा रेज हो गए कि अल्लाह ताला ने उन्हें सजदे अव्वल की तौफीक दी। लिहाजा नमाज में दो सजदे फर्ज और लाजिम हो गए और रुकू एक ही रहा। अब इस एक सजदे की इंसानी जिंदगी में क्या अहमियत है, इस बारे में जदीद साइंस क्या कहती है? जदीद साइंस की रोशनी में इंसान गोश्त पोश, खून और हड्डियों से मुरक्कब एक पुतला नहीं बल्कि इस खाकी वजूद के अंदर एक नूरी जौहर भी है और हर इंसान के अंदर तीन जनरेटर काम कर रहे हैं। इंसान जब नीयत बांधने के लिए दोनों हाथ उठाकर कानों की जड़ों पर अंगूठे लगाता है तो एक खास बरकी रोह कान की जड़ में मौजूद बारीक रग को अपना कंडेंसर बनाकर दिमाग की तरफ जाती है और उन खुलियों को चार्ज करती है जिनको शऊर नज़रअंदाज कर रहा था। और जब ये खुलिये चार्ज होते हैं तो दिमाग में रोशनी का एक धमाका होता है और तमाम आसाब उस धमाके से मुतासिर होकर दिमाग के उस खास हिस्से की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं जिनमें रूहानी सलाहियतें मख्फी हैं। दूसरी तरफ दिमाग से एक बरकी रोह हाथों में मुंतकिल हो जाती है और जब दूसरे जनरेटर यानी नफ्स जेरे नाफ पर हाथ बांधते हैं तो हाथों में मौजूद कंडेंसर से नीचे जनरेटर में बिजली का जखीरा हो जाता है और जेरे नाफ हाथ बांधने की वजह से जिनसी निज़ाम को ताकत मिलती है। जब हम हाथ कानों तक उठाते हैं तो बाजुओं, गर्दन के पट्टों और शाने के पट्टों की वर्जिश होती है। दिल के मरीज के लिए ऐसी वर्जिश बहुत मुफीद होती है जो कि नमाज पढ़ने से खुद बखुद हो जाती है और ये वर्जिश फालिज के खतरात से महफूज रखती हैं। साइंसी तहकीक के मुताबिक नमाज में कयाम से दिल का बार हल्का हो जाता है क्योंकि वजन दोनों पाँव पर मुतवाजन पड़ता है और आंखें सजदा गाह पर लगी रहने से दिल की यकसुई सहल हो जाती है। इंसान में कुव्वत मुदाफियत और आसाब में तवानाई पैदा होती है और रुकू से कमर दर्द की शिकायत दूर हो जाती है। रुकू की हालत में ऊपर के आधे जिस्म में झटके की वजह से ज्यादा खून पंप होता है। इसी तरह कोमा करने यानी दोबारा हालत कयाम में आ जाने से चेहरे और सर का दौरान खून जो हालत रुकू में बढ़ गया होता है वो नॉर्मल हो जाता है, जिससे शरियानों में लचक की ताकत बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर और फालिज के इम्कान कम हो जाते हैं।
मेडिकल साइंस कहती है कि जब नमाजी सजदा करता है तो उसके दिमाग की शरियानों की तरफ खून ज्यादा हो जाता है। जिस्म की किसी भी पोजीशन में खून दिमाग की तरफ ज्यादा नहीं जाता, सिर्फ सजदे की हालत में दिमाग, दिमागी आसाब और सर के दीगर हिस्सों की तरफ खून मुतवाजिन हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग और निगाह तेज हो जाते हैं। ऐसे ही जलसा करना यानी दोनों सजदों के दरमियान बैठना घुटनों और पंडलियों को मजबूत बनाता है। नमाज के इख्तिताम पर जब हम सलाम पैरते हैं तो उस अमल से गर्दन के उजलात को ताकत मिलती है और इंसान हशाश बशाश और तवाना रहता है। इन सब बातों का फायदा उस वक्त पहुंचता है जब हम नमाज पूरी तवज्जा, पूरे आदाब और सुन्नत के मुताबिक अदा करें और जल्दबाजी से काम ना लें। अब नमाज अदा करने में कितनी हिकमतें पोशीदा हैं तो इसका अंदाजा आपको हो चुका होगा, जिसके बारे में एक अमरीकी डॉक्टर का बयान भी आया था, जिसने कहा था कि मेरा दिल करता है कि सारे मुल्क में नमाज को लागू कर दूं, क्योंकि जितनी स्टडी इस मामले पर मैंने की है तो मैं ये जान चुका हूँ कि इसके अंदर इतनी हिकमतें हैं कि कोई हद नहीं। अगर इंसान के जिस्म को मादी नजर से देखा जाए तो इंसान का दिल एक पंप की तरह है, इसका एक इनपुट भी है और आउटपुट भी। जब इंसान बैठा होता है या खड़ा होता है तो जिस्म के जो हिस्से नीचे होते हैं उनमें प्रेशर निस्बतन ज्यादा होता है। मसलन 3 मंजिला इमारत हो और नीचे पंप लगा हो तो नीचे पानी ज्यादा होगा और दूसरी मंजिल पर भी कुछ पानी पहुंच जाएगा, जबकि तीसरी मंजिल पर तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। इस मिसाल को सामने रखते हुए अगर सोचें तो इंसान का दिल खून को पंप कर रहा होता है और ये खून नीचे के आजाम में बिल्कुल पहुंच रहा होता है, लेकिन ऊपर के आजाम में इतना नहीं पहुंच रहा होता। जब कोई ऐसी सूरत आती है कि इंसान का सर नीचे होता है और दिल ऊपर होता है तो खून सर के अंदर भी अच्छी तरह पहुंच जाता है। आदमी सजदा थोड़ा लंबा कर ले तो महसूस होता है कि चेहरे की जो बारीक बारीक शरियाने हैं उनमें भी खून पहुंच गया। आम तौर पर इंसान बैठा, लेटा या खड़ा होता है। बैठने, खड़े होने और लेटने से इंसान का दिल नीचे होता है जबकि सर ऊपर होता है। एक ही सूरत ऐसी है कि नमाज में जब इंसान सजदे में जाता है तो उसका दिल ऊपर होता है और सर नीचे, लिहाजा खून अच्छी तरह चेहरे की जिल्द में पहुंच जाता है। अल्लाह हम सबको 5 वक्त नमाज अदा करने की ताकत अता करें, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सुभान अल्लाह। तो जैसे आपने देखा है कि नमाज एक दीनी फरीज़ा होने के साथ साथ उसके कितने फ़ायदे हैं हमारे जिस्म के लिए, और ये साइंस ने प्रूव कर दिया है कि रुकू और सजदे में जो है कितने फ़ायदे होते हैं हमारे जिस्म के लिए। तो अल्लाह ताला जो है जिस चीज़ का हुक्म देते हैं तो उसमें कोई ना कोई फ़ायदा लाजमी होता है, नुकसान कोई नहीं। तो ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम है कि उन्होंने ऐसा दीन दिया है, ऐसी हिदायत दी है कुरान और दीन इस्लाम के ज़रिए कि हमें उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। और ये अगर आज नहीं तो कल लाजमी ये सच जो है का इंकिशाफ होता है और सबको पता चलता है कि इस उस चीज़ का क्या फ़ायदा है। अगर आज नहीं तो कल लाजमी पता चलेगा, साइंसी तौर पर जो है उसका जो है वो प्रूव हो जाएगा कि उस चीज़ का क्या फ़ायदा है, चाहे वो कुरान में है या सुन्नत में है। सुन्नत के कई ऐसी चीज़ें हैं जो पहले हमें नहीं पता था कि उसके क्या फ़ायदे हैं, लेकिन साइंस ने प्रूव कर दिया है और आने वाले वक्त में भी जो है मज़ीद चीज़ें और साइंस प्रूव करेगी। क्योंकि जो हम जो अल्लाह ताला ने और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम करने को बोला है, जो सुन्नत फॉलो करने का बोला है, तो उसमें फ़ायदे ही फ़ायदे, नुकसान कोई नहीं। तो अल्लाह ताला हमें नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए, हमें नमाज की पाबंद बनाए, हमें सही राह पे रखें और सही राह के पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को जो है वो नमाज की पाबंदी
की तौफीक अता फरमाए, 5 नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नमाज में बहुत बरकत है, बहुत फवायद है, रूहानी भी और जिस्मानी भी। तो हमें चाहिए कि हम नमाज कभी ना छोड़े। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।